हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक विद्रोह के बारे में। जो प्रारंभिक विद्रोह 1857 के पहले के पीरियड में हुए थे, वे इसमें कुछ विद्रोह हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा था ब्रिटिश रूल पर। हालांकि इतने बड़े नहीं थे जितना कि 1857 का जो विद्रोह था, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट था वो काफ़ी बड़ा था। तो इसी तरीके का जो पहला हमारे पास जो विद्रोह है वो है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का जो पीरियड रहा है वो 1736 से 1800 के बीच रहा है। किसी किसी बुक में आप इसको 1770 भी देखते हैं। तो ये जो विद्रोह हुआ था, ये हुआ था बंगाल में, और बंगाल में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने के उद्देश्य से यह विद्रोह चलाया गया था। क्योंकि 1870 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, तो एक तो वहाँ पर जनता पहले से ही कष्ट सहन कर रही थी, फिर बंगाल में तीर्थ यात्रा कर को जो है इम्पोज किया गया। और इसका जो विद्रोह है, इसका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है आनंद मठ में। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी गई एक पुस्तक है, और इसमें इसका उल्लेख किया गया है। इसमें जो शंकराचार्य के जो अनुयायी थे वो इस विद्रोह में सम्मिलित थे, और नागा संप्रदाय या गिरि संप्रदाय के सन्यासी भी इसमें भाग ले रहे थे। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा यह विद्रोह समाप्त किया गया था। काफ़ी लंबा विद्रोह चला था ये भी। नेक्स्ट जो हमारे पास जो विद्रोह है वो है संथाल विद्रोह। संथाल जो विद्रोह है, ये जो इसका जो पीरियड रहा है वो रहा है 1855 से 1856 के बीच। और जो इसका जो नेतृत्व किया था वो सिद्धू और कानू जो वहाँ के व्यक्ति थे उन्होंने किया गया था। और ये जो संथाल विद्रोह है, ये अंग्रेज अधिकारियों, साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध यह विद्रोह चलाया गया था। और यह भागलपुर के राजमहल के बीच यह विद्रोह केंद्रित रहा, जो बिहार में है, राज महल के बीच भागलपुर और राजमहल के बीच यह विद्रोह केंद्रित रहा। नेक्स्ट जो हमारे पास जो विद्रोह है वो है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का जो पीरियड रहा है वो रहा है 1829 से 1848 के बीच। और जो इनके लीडर रहे हैं वो रहे हैं बुधा भगत और गंगा नारायण, यहाँ के जो उसके लीडर रहे हैं इस विद्रोह के। और छोटा नागपुर क्षेत्र में यह विद्रोह चलाया गया था। छोटा नागपुर के कोलों की भूमि कंपनी के अधिकारियों द्वारा मुस्लिम और सिख कृषकों को दे दी गई थी, जिसकी वजह से यह विद्रोह हुआ। कोल जनजाति यहाँ पर पाई जाती है छोटा नागपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट जो विद्रोह है हमारे पास वो है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का जो पीरियड रहा है वो 1895 से 1900 के बीच रहा है। और जो इसके प्रमुख जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा। और इसका जो कारण रहा है वो रहा है जमींदारों और ठेकेदारों द्वारा यहाँ के जो जनजाति थे, मुंडा जनजाति, उनका शोषण किया गया है। मुंडों की जो प्रारंभिक भूमि थी, व्यवस्था थी, वो थी मुंडारी। और मुंडारी का जमींदार या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध ये मुंडा विद्रोह की शुरुआत की गई थी। और धीरे धीरे जो बिरसा मुंडा यहाँ के जो नेता थे उन्होंने से धार्मिक राजनीतिक आंदोलन स्थापित कर दिया था। और इस विद्रोह को उल गुलन विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह को उल गुलन विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो विद्रोह है वो है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह जो पीरियड रहा है वो रहा है 1828 से 1830 के बीच। और अहोम प्रदेश को अंग्रेजों द्वारा अपने राज्य में सम्मिलित करने की वजह से यह विद्रोह चलाया गया था। और जो यहाँ के जो लीडर थे वो थे गोमधर कुरव और रूपचंद कोनार, यहाँ के जो लीडर थे। और विद्रोह का दमन कर असम को महाराजा पुरंदर सिंह को सौंप दिया गया था। पुरंदर सिंह को सौंप दिया गया था। तो अहोम जो प्रदेश पड़ता है वो पड़ता है असम राज्य में, जो भारत का एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो विद्रोह है वो है नील विद्रोह। जो नील विद्रोह है, जो उसका पीरियड रहा है वो 1859 से 1860 के बीच रहा है। अगर हम बात करें इस विद्रोह की, तो जो विद्रोह चलाया गया था ये चलाया गया था बंगाल में। बंगाल में यह विद्रोह चलाया गया था। और जिसके लीडर थे वो थे दिगंबर और विष्णु विश्वास। इसके जो दो लीडर हमें दिखता है, दिखाई देते हैं, ये है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और नील दर्पण नामक पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है। और जो के राइटर थे वो थे दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र इसके जो हैं
राइटर थे और ये अपने आप में एक सफल विद्रोह रहा था। नेक्स्ट जो हमारे पास जो विद्रोह है वो है खांसी विद्रोह। खांसी जो विद्रोह था वो 1828 से 1833 के बीच चलाया गया। इसके जो लीडर थे वो थे तीरथ सिंह, इसके लीडर थे, और ये चलाया गया था असम राज्य में, और असम राज्य में चलाया गया था, और असम राज्य में ही अहोम विद्रोह भी चलाया गया था। उसको जो चलाने का जो मेन कारण था वो था सैनिक मार्ग। अंग्रेजी जो सरकार थी वो एक मार्ग का निर्माण कर रही थी ब्रह्मपुर घाटी और सिलेट को जोड़ने के लिए, एक सैनिक मार्ग का निर्माण कर रही थी, जिसकी वजह से यह विद्रोह हुआ। नेक्स्ट जो आंदोलन है वो है फेराजी विद्रोह। इसका जो पीरियड रहा है वो रहा है 1830 से 1858 के बीच, और जो जो फेराजी थे ये थे हाजी सैदुल्लाह के संप्रदाय के अनुयायी थे, इनको फेराजी कहा गया। और इसके जो लीडर रहे वो रहे दादू मीर के लीडर रहे, और इन्होंने कर बंदी के लिए आंदोलन चलाया। जो फेराजी जो विद्रोह था वो कुछ समय बाद बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गया। अगर हम बात करें इस आंदोलन की तो इसका जो पीरियड था वो 1820 से 70 तक इसका पीरियड रहा है। और यह जो आंदोलन चलाया था बहावी आंदोलन, ये चलाया था अब्दुल बहाव ने आंदोलन चलाया था, और भारत में इस आंदोलन के जो समर्थक रहे या इस आंदोलन को जो गति प्रदान करी वो प्रदान की थी सैयद अहमद राय बरेलवी ने। तो सैयद अहमद राय बरेलवी ने इस आंदोलन को भारत में लोकप्रियता प्रदान की। नेक्स्ट जो विद्रोह है वो है भील विद्रोह। भील विद्रोह का जो पीरियड रहा है वो रहा है 1818 से 1857 के बीच, और भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में खानदेश में दशरथ और सेवरम के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। इसका जो मुख्य कारण रहा है वो रहा है कृषि संबंधी कर और अंग्रेजी सरकार का भय। ये ऐसे दो मुख्य कारण थे जिनकी वजह से यह विद्रोह चला, और महाराष्ट्र के साथ साथ यह विद्रोह राजस्थान में भी यह विद्रोह चला। राजस्थान में इसको जिसका नेतृत्व किया था वो किया था दौलत सिंह ने राजस्थान में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, और इसी विद्रोह में जो है गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी के सुधारों से भी प्रेरित यह आंदोलन था। और नेक्स्ट जो आंदोलन है हमारे पास वो है कच्छ का विद्रोह। कच्छ का जो विद्रोह था उसका जो पीरियड रहा है वो रहा है 1819 से 1831 के बीच, और जो इसके जो लीडर रहे हैं वो रहे हैं भारमल और झरेजा इसके लीडर रहे हैं। और जो कारण रहा है वो रहा है कि राजा भारमल के स्थान पर उसके अल्पवयस्क पुत्र को राजा बना दिया गया था, और जबकि वास्तविक शासन अंग्रेजी रेजिडेंट जो है उसके हाथों में था। जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो विद्रोह है वो है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह का जो पीरियड रहा है वो रहा है 1844 में, और महाराष्ट्र में यह आंदोलन चलाया गया था। इसका जो मुख्य कारण रहा इस आंदोलन को चलाने का वो रहा बेरोजगारी के कारण यह आंदोलन चलाया गया था। जो अगर हम बात करें गडकरी समुदाय की, जो गडकरी जो समुदाय थे वो महाराष्ट्र में जो मराठा शासन था उसके जो अनुवांशिक सैनिक थे उनको गडकरी कहा जाता था। प्रारंभ में तो ये मराठों के साथ साथ इनको भी रोजगार मिलता रहा, लेकिन जैसे जैसे मराठों का पतन हुआ उनकी वजह से इनकी बेरोजगारी की जो समस्याएं थी वो उत्पन्न होनी स्टार्ट हो चुकी थी, और गडकरी समुदाय से इस जो अग्रेजी शासन था उसको बहुत हानि हुई, और इससे उनकी छटनी कर दी गई, और बेरोजगारी के कारण ही यह विद्रोह आगे बढ़ा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है दक्षिण भारत के आंदोलन। दक्षिण भारत में ऐसे आंदोलन चले जिन्हें राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करी। पहला जो इसी क्रम में जो पहला जो हमारे पास जो आंदोलन है वो है चेचू आंदोलन। चेचू आंदोलन आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में यह आंदोलन चलाया गया था, और 1920 के सत्याग्रह के समय यह आंदोलन चला था। चेचू जो आदिवासी हैं वो वेंकटपैया के
संपर्क में आए, उन्होंने और इस वेंकटपैया ने इस आंदोलन को गति प्रदान करी। और 1927 में महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया था और इस आंदोलन का जो है इस क्षेत्र का दौरा भी किया। नेक्स्ट जो हमारे पास जो विद्रोह है वो है दीवान वेलू थम्पी का विद्रोह। जो दीवान वेलू थम्पी ने जो विद्रोह किया था वो किया था 1808 से 1809 के बीच यह विद्रोह चला था। और इसका जो कारण रहा वो कारण था 1805 में त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि के लिए अंग्रेजों द्वारा बाध्य किए जाना। और जो त्रावणकोर के जो दीवान थे वेलू थम्पी ने दीवान की गद्दी छीन ली गई थी और सहायक संधि द्वारा त्रावणकोर राज्य पर बाहरी वित्तीय बोझ डालने के कारण यह विद्रोह हुआ था। गोलियों से घायल वेलू थम्पी की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर भी लटकाया था। नेक्स्ट जो हमारे पास जो विद्रोह है वो है मोपाला विद्रोह। मोपाला विद्रोह 1836 में 1854 के बीच केरल के मालाबार तट के मोपाला कृषकों द्वारा चलाया गया था, जो हिंदू जमींदारों के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। इसी की ही दूसरी लहर आप 1921 में भी देखते हैं। 1921 में सत्याग्रह के दौरान ही यह आंदोलन चलाया गया था केरल राज्य में। नेक्स्ट जो हमारे पास जो विद्रोह है वो है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। इसका जो पीरियड रहा है वो रहा है 1922 से 1924 के बीच। अल्लारी सीताराम राजू द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। और इसका जो मेन कारण था चलाने का वो था कि साहूकारों के शोषण और कुछ वन कानून ऐसे लाए थे इंग्लिश गवर्नमेंट ने, जिनकी वजह से इनके अधिकारों का हनन हो रहा था रंपा क्षेत्र के जो आदिवासी थे। और जो क्षेत्र पड़ता है ये पड़ता है गोदावरी नदी के उत्तर में, यह क्षेत्र पड़ता है जो रंपा जो क्षेत्र है वो गोदावरी नदी के उत्तर में पड़ता है। और सीताराम राजू ने गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त की, लेकिन ये आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक समझते थे और 1924 में सीताराम राजू की हत्या कर इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें। अगर हम बात करें इस विद्रोह की तो इस विद्रोह में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बनते हैं वो या तो बनते हैं इसके पीरियड से, जिसका पीरियड है किसी विद्रोह का, और इसके जो लीडर रहे हैं उस उनसे ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट इनके ऐसे भी हैं जहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, जैसे सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार प्रश्नों जो आपकी परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उसी तरह की जो वीडियो हैं उनसे जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।